बस्मिल्ल रमन भाई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्पाई डॉट कॉम और आज हमारा तीसरा लेक्चर है वेबसाइट ऑडिट का एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर जाऊँ क्लियर कर दूँ आपको कि वेबसाइट ऑडिट से क्या मतलब होता है <coughs> तो वेबसाइट ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ चेक करके बताना होता है कि गूगल ये ये चीज़ें रिकमेंड करता है ये ये चीज़ें वेबसाइट में होनी चाहिए जो वेबसाइट के लिए हमारे के लिए ज़रूरी हैं और उनको आपने आपको लोग वेबसाइट देंगे अपनी वेबसाइट का यू देंगे आपने सारा उसके अंदर से खुद चीज़ें निकालनी है अब उसको शायद पता भी हो ना हो वो कुछ नहीं बताएगा वो आपको यू दे देगा आपने सिर्फ उसे बताना कि ये चीज़ इसमें नहीं है और इसका होना कितना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ बाकी और कुछ भी नहीं करना होता करके नहीं देना होता कि ओके जी गूगल एनालिटिक्स इसमें नहीं है तो मैं इसमें गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके उसे कहूँ इंस्टॉल करना जो है मैंने जैसे आपको बताया था वो एस में आएगा वो अलग चीज़ें वो हम लोग अलग से करेंगे वो एक अलग फील्ड है उसके अलग चार्जेस भी होते हैं और सब कुछ होता है वेबसाइट ऑडिट में सिर्फ आपने ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें चेक करनी है और उसे बतानी है कि ये हैं या ये नहीं है और एक चीज़ बतानी है कि इसको गूगल कितना रेट करता है मीडियम रेट करता है हाई रेट करता है या लो रेट करता है फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा इस चीज़ तीनों चीज़ों को ठीक है आपने ये एक शीट बनानी है अक्सल की ठीक है अभी जो हम लोगों ने सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स पढ़ा था तो उसको गूगल जैसे हाईली रेट करता है अब हमारे पास जो अगली चीज़ हमने चेक करनी होती है वेबसाइट ऑडिट में किसी की कोई भी वेबसाइट हमें देता है तो उस वेबसाइट जो हमने चेक करना होता है वो हमारे पास होता है गूगल सर्च कंसोल कि क्या जो गूगल सर्च कंसोल है वो आपकी वेबसाइट के साथ अटैच है कि नहीं है गूगल इसको हाईली रिकमेंड करता है क्योंकि ये गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता देता है जैसा कि मैंने यहाँ पे ये डेफ़ीशन में सारा कुछ बता दिए ठीक है आप लोग इसे क्या देख सकते हो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख सकते हो डेमोग्राफ्स देख सकते हो फिर आप अपनी जो है क्या कहते हैं है यूज़र की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हो अपने गोल कन्वर्जन रेट सेट कर सकते हो मतलब आपने जब एक महीना देखा कि लोगों का बिहेवियर क्या आपकी वेबसाइट पर फिर आप उस लिहाज से फर्दर जो है मॉडिफाई करके उस लिहाज से कंटेंट को मॉडिफाई करके लिख के वो कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हो ये डिपेंड करता अब कोई होती हैं है, जैसे एफिलिएट वेबसाइट्स होती हैं कुछ ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं कुछ जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं <coughs> तो वो ये सारे डिसीजनस जो हैं हम लोग ये इसके डेटा से लेते हैं क्योंकि डेटा से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या क्या ये गूगल सर्च कंसोल पर एक मैंने वेबसाइट ऐड की हुई है ठीक है तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं वेबसाइट का ओवरऑल ओवरव्यू हम लोग देख सकते हैं ठीक है थीके? ये सारी चीज़ें आपको वो चीज़ें जनरली बता देगा इसमें परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की कितने क्लिक हुए हैं ठीक है कहाँ से हुए हैं सी टी आर क्या है इसका एवरेज पोजीशन क्या है इसकी ठीक है कौन सा पेज रेंग कर रहा है आपका ठीक है फिर यू इंस्पेक्शन से कौन सा पेज इंडेक्स हुआ है ये सारी चीज़ें साइट मैप ऐड करते हैं इससे ये सारी चीज़ें आपका गूगल सर्च कंसोल फ्री में करता है और ये वेबसाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है <coughs> ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि गूगल सर्च कंसोल की इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है अब हम लोगों ने जो किसी को वेबसाइट ऑडिट करके देने वो हमें देगा यू तो हमने जो दूसरी चीज़ चेक करनी होगी गूगल एनालिटिक्स के बाद दूसरी चीज़ हम लोग चेक करेंगे आया कि इसने गूगल सर्च कंट्रोल इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है तो अब मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंस इसकी मैंने आपको बता दी है क्या करते हैं हम लोग इसके ये भी मैंने आपको बता दिया है एक चीज़ जो आपको बतानी थी कि जब आप उसको बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है मतलब इसकी रे गूगल सर्च कंस्रोल वेबसाइट के साथ अटैच होने की इम्पोर्टेंस के तो वो हाई है इसका साथ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट की सारी मयर मस हो होंगी जो आप लोग वो सारी गूगल सर्च कंसोल के आप लोगे तो आप अपने क्लाइंट को बताओगे जब भी आप उसका चेक अगर उसने इंस्टॉल की हुई है तो भी आप लिखोगे इसकी इम्पोर्टेंस आई है और आपने इंस्टॉल किया हुआ अच्छा किया हुआ है अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ लिंक नहीं किया तो आप उसे बताओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस है ये आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने बंदे से जिससे आप एस करवा रही हो या जिससे वेबसाइट बनवाई है उससे इसमें इंस्टॉल करवाओ ठीक है इंस्टॉल करवाओ अगर वो फिर कह दें आप कर दें वो अलग कहानी है लेकिन आपने जो ऑडिट में उसे बताना है ये चीज़ चेक करके भी ये ऑडिट का एक पार्ट है समझ लें ऑडिट में ये चीज़ देखनी होती है कि सर्च कंसोल है कि नहीं है उसके लिए मैं आपको जरा सा बताता हूँ अगर मेरे पास एक वेबसाइट है फर्ज करिए मैं ये वेबसाइट मुझे किसी ने दी है जी स्पेस डॉट एंड कलेक्शन बेड शीट्स ठीक है सबसे पहले मैंने क्या करना है मैंने इसका पेज सोर्स खोलना है और भी तरीके होंगे लेकिन अब मुझे उस uh, जिसने वेबसाइट दी है बस उसने मुझे वेबसाइट दे दी ऑर्डर करके बताओ अब ये सारे काम मैंने खुद करने मैंने पेज सोर्स व्यू पेज सोर्स पर क्लिक किया इसकी ठीक है अब ये इसका खुल गया वेब सोर्स मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एफ जहाँ पर सर्च बार आ गया ये देखा सर्च बार आ गया इस सर्च बार में अब आप आपने क्या सर्च करना है वेरीफिकेशन क्या सर्च करना है वी ई आर आई इतना ही लिखेंगे आप तो ये वेरीफिकेशन के पास आपको ले जाएगा अब यहाँ पे ये लाइन देख रहे मेटा टैग लगा हुआ है इसमें ये ये नज़र आ रहा है मेटा मेटा नेम गफिकेशन कॉन्टेंट uh, uh, ये अगर टैग लगा हुआ है क्या है अगर ये टैग लगा हुआ तो इसने मतलब है कि इसने गूगल सर्च कंसोल अपने साथ अटैच किया हुआ है मैं इसका कोड भी आपको दिखा देता हूँ इस टैग का अच्छा ये तो वेलकम टू ये तो उसका यहां पे आपने वेबसाइट ऐड करनी होती है ये अलग तरीका है लेकिन ये जो है ना ये वाला ये कोड है हो उसका होता है मेटा गूगल साइट वेरिफिकेशन मतलब आपने व्यू सोर्स करके उस वेबसाइट का जो आपको दी गई है ऑडिट के लिए उस पर आपने सॉरी कंट्रोल प्लस एफ करने अगर ये वेरिफिकेशन यहाँ पे ये आ रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये आ रहा है तो आप लिखोगे यस ओके है ठीक है अब ये एक हमारे पास वेबसाइट है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ व्यू पेज सोर्स किया मैंने इसका ठीक है ये मैंने इसका व्यू पेज सोर्स किया कंट्रोल एफ किया मैंने ठीक है और यहाँ पे मैं वी ई आर आई देखा जीरो इस पे कहीं पर नजर आ रहा है जीरो जीरो इस बंदे ने अपनी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल जो है वो ऐड नहीं किया हुआ तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो कि होना चाहिए तो ये था तरीकाकार हमारा गूगल सर्च कंसोल चेक करने का ठीक है क्या था ये तरीकाकार गूगल सर्च करने का होप सो आपको समझ आ गया होगा पहले लेक्चर में मैंने गूगल एनालिटिक्स चेक करने का तरीका बताया है अब ये वाला दो पॉइंट हमारी वेबसाइट ऑडिट की होगी तो आगे भी इसी तरह इसकी कोई 86 86 चेक पॉइंट हैं जो आपने इस तरह वेबसाइट उस सारे पॉइंट से गुजारनी है अगर वो सारे पॉइंट्स पास हो जाते हैं तो वेबसाइट ओके अगर नहीं पास हो जाते तो आप अगले बंदे को कहते हो कि ये 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 काम तो हमारी वेबसाइट में नहीं हुआ हुआ ये कर लो तो यही होता है वेबसाइट ऑडिट अब ये सारी टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इसका फ़ायदा क्या होगा आप ये सारी टर्म्स मैंने गूगल एनालिटिक्स का बताया कि ये चेक करते हैं फिर हम मैंने बताया गूगल सर्च कंसोल चेक करते हैं आप ऐसी इसी तरह मैं आपको ये बेसिक्स है फिर अगर मैं एस के चेकअप्स बताऊँगा तो आप एस के हर टर्म से फेमिलियर हो जाओगे और आपके लिए एस सी ओ फ़र्दर सीखना बहुत आसान हो जाएगी और अगर आप कहोगे लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो मैं एस भी सिखा दूँगा आपने ऑडिट करके दिया रिपोर्ट तैयार करके कर दे दी आप अगर वो कहता है कि इसी रिपोर्ट के मुताबिक मुझे सारी एस करके दे दूँ तो वो चीज़ें भी सारी आप कर लोगे ऑडिट के अलग चार्जेज़ होते हैं और फिर एस करने का वो एक अलग प्रोसेस है अलग चार्जेज़ होते हैं ठीक है तो ये समझाने वाली बात थी तो ये था आज का लेक्चर हमारा तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा चेक करने का तरीका भी आ गया होगा तो दो पॉइंट्स हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फर्दर इंशाल्लाह ये मैं पूरा 86 पॉइंट है ये बढ़ भी सकते हैं क्योंकि जो जो जुँ दिन गुजर रहे हैं ना तो एस के अंदर और ऑडिट के अंदर चीज़ें ऐड होती रहती हैं तो ये हमारा आज का तीसरा पॉइंट था एटी पॉइंट्स मैंने तैयार किए हमें और फिर अगर मज़ीद आ अब यह एटी सिक्स पॉइंट जिसने सीख लिया ना मैं गारंटी देता हूँ उसे एस की ए टू जी समझ आ जाएगी वो फिर सिर्फ करना सी है, अब ये गूगल सर्च कंसोल ऐड कैसे करते हैं उसने ये वीडियो देखनी है और बस ये उसका एक पॉइंट ऐसी का क्लियर हो गया फिर उसने गूगल एट्रिक्स का देख लिया फिर वो आगे साइड में आप कैसे ऐड करते हैं वो देख लिया ये सारी चीज़ें वो ऐसी ही होगी लेकिन ऑडिट करना अगर आपको आ गया ना तो सारे काम आसान हो जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि